सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। आप जब भी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो पहला जो है फोकस एरिया यह होना चाहिए कि कहां कहां से क्वेश्चन सबसे पहले आता है, उसको तीन कैटेगरी में बांटना चाहिए, ए बी सी, जिसको कहते हैं ग्रेडिंग करना है। तो ग्रेड एक बनाने की जरूरत है कि सबसे अधिक क्वेश्चन जिस चैप्टर से बार बार आपका रिपीटेड होता है उसको सबसे पहले ए ग्रेड में रखना चाहिए। उसके बाद बी में आता है जिससे कि इंटरवली हो सकता है कि दो साल पर रिपीट होता है, उस क्वेश्चन को फिर रखना है उस पर। और सी वैसे हैं जो तीन साल चार साल में कभी आया है कभी नहीं आया है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन का क्या होता है कि हम सबसे पहले चैप्टर पर फोकस करते हैं। चैप्टर पर क्या फोकस करते हैं कि जो एक कैटेगरी का है उसको सबसे पहले रेडी करते हैं, फिर उसके बाद बी पे जाते हैं, और टाइम मिले तो सी पे जाना है, नहीं मिलेगा छोड़ देना है। क्योंकि आपका ए और बी दो अगर कैटेगरी से अगर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने की कोई चांसेस नहीं है। तो ये कौन बनाएगा? हाँ कैप्सूल खाने की आदत है ना। अच्छा चलिए, हम आप सबके लिए बनाएंगे, लेकिन खुद से बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका अपना स्किल डेवलप होगा और आपको याद हो जाए कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है जब खुद से करेंगे। उसको करने का सही तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो इस करेंट ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं सामने, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोनों को सामने रखते हैं, और पीछे की तरफ जाते हैं लास्ट के 8-9 ईयर्स, और जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ मिल रहा है उतने जिस क्वेश्चन पे, सपोज जब बीपीएससी की बात करें और फर्स्ट पेपर की बात करें तो पहला सेक्शन जो है हिस्ट्री एंड कल्चर का है ना, तो उसमें देखेंगे कि अगर इस साल मौर्य कला का पूछा है और प्रीवियस ईयर में पाल पूछा है, तो पीछे की तरफ हम जाएंगे और जितने बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ उतना स्टार लगाते जाएंगे, एक स्टार, दो स्टार, थ्री स्टार। उसी तरीके से ये सभी क्वेश्चंस में हम स्टार लगाते जाएंगे तो एक बार में ही पता चल जाएगा कि यह प्रीवियस ईयर्स में कौन से ऐसे क्वेश्चन है या टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसी से आपका जो सबसे अधिक स्टार वाला होगा 4, 5, 6, जो भी 4 से ऊपर वाला है सब ए में आ जाएगा, और जो भी 4 से नीचे वाला है वो बी में आ जाएगा, और जो लगता है कि 2 ही स्टार पे रुक गया है तो वो सी में आएगा। 4 करिए या 5 करिए, 5 वाला को ए में रखिए, और जो 3 से लेके 5 तक है उसको बी में रखिए, और जो पिछले 10 ईयर्स में 2 ही बार आए हैं उसको इग्नोर करिए, सी कैटेगरी में रख लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और केवल ये मैं बीपीएससी में नहीं बता रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक बार ज़रूर से ज़रूर ग्रिड बनाना चाहिए। ग्रिड बनाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यह केवल प्रीलिम्स में ही नहीं होता है, ग्रिड जो है वो मेंस में ही नहीं, प्रीलिम्स में भी होता है। प्रीलिम्स में भी हम 10 ईयर्स के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चैप्टराइज करते हैं। पहले कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पहले देखेंगे कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे माउंटेन से लेकर रिवर से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, ओशन से लेकर सब लिख लिए, और जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है स्टार स्टार स्टार, तो उससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से ऐसे चैप्टर है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से इंडिया फिजिकल का देखेंगे या इंडिया ज्योग्राफी की बात करेंगे तो दो भाग में डिवाइड करेंगे, फिजिकल हो जाता है, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी में जिसमें कि एग्रीकल्चर से लेकर बाकी चीज़ें उसमें आती है, हालांकि पोलिटिकल ज्योग्राफी भी होता है लेकिन उसको छोड़ दीजिए। तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपका जो है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टोपोग्राफी से है क्वेश्चन, किस टोपोग्राफी ज़्यादा क्वेश्चन है, रिवर से है तो कहाँ से है, हिमालय से आ रहा है तो कहाँ से है, प्लेट टेक्टोनिक से आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये आपको उसके हिसाब से स्टार लगा लेना चाहिए। स्टार लगाने से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट कम है, यानी कि उस पर सीरियसनेस कम रखना है। तो ये आप लोग करेंगे अपने से करना है, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता हूँ। उसका रीज़न यही है कि अगर मैं यह करके दूंगा तो फिर आप लोगों का मेहनत नहीं होगा, फिर तो हमको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने खुद, ये कोई बताएगा नहीं क्योंकि हमने ये खुद किया था, और हर बुक के पहले जो चैप्टर होते हैं कंटेंट जहाँ लिखा होता है उसी कंटेंट पे हम लोग लिखते थे, सीएसई कब कब पूछा, सीएसई 14, 15, 16 जब भी पूछा, बीपीएससी अगर पढ़ रहे हैं तैयारी करनी है तो बीपीएससी में कब कब क्वेश्चन उस चैप्टर से आया है, एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक के उस कंटेंट के चैप्टर पे ही जाके हम वहीं पे स्टार लगाते थे, और स्टार से पता नहीं चलता था इसलिए उसमें ईयर लिखते थे, इस चैप्टर से आईएएस 2010, आईएएस 12 में पूछा, 13 में पूछा, या कुछ ऐसे होते थे
जिसमें देखेंगे कि 10 ईयर्स में इतने स्टार हो जाते थे कि काउंट करना मुश्किल होता है। इतने स्टार का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि उसमें उस साल 10 क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर से, ठीक है, या 5 क्वेश्चन पूछा, 5 बार स्टार लगाइए, फिर लगाइए 5, कई बार 25 से लेकर 30 तक जो है स्टार एक चैप्टर पर लगता था, तो पता चल जाता था कि ये हिट है, जहाँ से क्वेश्चन आने हैं। और मेंस में भी इसी तरीके से हम लोग गेस कर पाते थे कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। तो ये जो मैंने आपको ग्रिड बनाने के लिए कहा है, उसको ग्रिड को निश्चित रूप से आज जाके सब लोगों को बनाना है, जो PPSC के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को UPSC तैयारी करने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोगों की इच्छा है, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो हुआ ही है, 100 के आसपास भी नहीं पहुँच रहा है, और BPSC में 1000 पहुँच गया है, UPSC का इतना कम है। इसका मतलब ये होता है कि सीरियसनेस UPSC को लेकर नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो UPSC की प्रिपरेशन करेंगे ना, उनका BPSC जो है वो बाएं हाथ का खेल, UPSC का इस लेवल तक प्रिपरेशन हो जाती है कि BPSC हो ही जाना है, क्यों वह विदाउट प्रिपरेशन हो जानी है, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है। वैसे ही जैसे मेरे भी बैचमेट हैं, मेरे भी फ्रेंड हैं, मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने UPSC फेस किया है और आज कोई भी बचे हुए नहीं, मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, सभी BPSC में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, क्योंकि हम लोग UPSC के जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे थे आज के डेट में, अपने कॉलेज पटना कॉलेज में मेरे बैचमेट रहे हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, सभी के सभी सिलेक्टेड हैं। इसका यह मतलब है कि हमेशा अपना जो ड्रीम है, अपना जो टारगेट है, वो हाई लेकर चलना चाहिए, ठीक है, और अपने स्कोर के बारे में भी हमेशा हाई के बारे में सोचना चाहिए। बाउंड्री के आसपास रहने का मतलब है कि रिजल्ट आपका नहीं होगा, यह केवल प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस की बात कर रहा हूँ, क्लियर है, समझ में आ रहा है? उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को अपना प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी पूछ करके आपका रिजल्ट नहीं दिलवा सकता है, रिजल्ट ऑलवेज आप अचीव कर सकते हैं। कोई भी बड़े संस्थान में चले जाएंगे जहाँ की पूरी तरह से पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, बताई जा रही है, लेकिन आपको करने की इच्छा ही नहीं है तो धक्का मार के भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मगर जोर से धक्का मारेंगे तो गिर जाइएगा मुंह के बल, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ होने वाला है, आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी खुद की अब अंदर से यह मतलब कीड़ा काट लेना कहते हैं, अगर आपको लगता है पैशनेट है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो मैं थोड़ा पुश करूँगा लेकिन आप दौड़ेंगे बहुत फास्ट, ठीक है, तो ये आपको अंदर से इच्छा शक्ति पहले जगाइए, और कोई भी काम असंभव नहीं है ये भी अपने मन में आप रख लीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं, और दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। पीछे की जो चीज़ें हैं उसको भूल जाना चाहिए, कई बार जो है सो बैकग्राउंड में लगता है, अच्छा मैंने तो बहुत कम परसेंटेज से मार्क्स से पास किया, या मैंने पिछली बार तो 85 ही स्कोर किया था, या मेरी प्रिपरेशन बहुत कम है, एवरेज है। देखिए कछुए की चाल के हिसाब से कंटिन्यू अगर चलते रहेंगे रिजल्ट 100% आपके हाथ में, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल तक अगर आप चाह रखेंगे ना, तब आपका रिजल्ट जो है डेफिनेटली होगा, दिन रात सोचना है रिजल्ट के बारे में तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बताइए, क्वेश्चन हम नहीं पूछना चाहेंगे, आप लोग पूछ लीजिए, डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं है, मतलब आप लोग की प्रिपरेशन हो गई। मेंस के साथ क्या होता है PT, जब हमको क्या करना है PT की, अभी देख मैं बताता हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, सबसे पहले हिस्ट्री पकड़ो, ठीक है, हिस्ट्री में एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, वहीं से क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड से नहीं आता, क्लियर है ना, 3 सेक्शन। अब जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे कि हम अपनी हिस्ट्री से तैयारी करते हैं, PT मेंस को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे प्री हरप्पन से, हरप्पन से शुरू करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो हरप्पन से, वैदिक से, मौर्य से, गुप्ता से, गुप्तोत्तर काल जो है पोस्ट गुप्ता से, यहाँ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हमारा ख़त्म हो जाता है एंशियंट पीरियड, तब हम बैक जाते हैं और देखते हैं कि क्या इस पीरियड से कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्या मेंस में इस पीरियड से कहीं क्वेश्चन आ रहा है GS में या नहीं आ रहा है, पहला, ठीक है। तो जो समझ रहे हैं वो अच्छा है, नहीं समझ रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को निकालेंगे, और जो मैं बता रहा था ग्रीड करने के लिए, देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन जो है एंशियंट से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इतना जो मैंने बोला चैप्टर पोस्ट गुप्ता तक, हर्षवर्धन तक मान लीजिए, या फिर मान लेते हैं महमूद गजनी या गौरी तक मान लीजिए, अर्ली मेराइवल भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए एंशियंट में, ठीक है, अर्ली मेराइवल पीरियड जानते हैं ना,
पोस्ट गुप्ता के बाद अर्ली अराइवल पीरियड शुरू होता है, ठीक है। उसमें पाल प्रतिहार गुज्जर वगैरह जो है सब उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद शुरू हो जाता है। तो अब मैं पूछूंगा कि भाई बताओ कि भाई इसमें से हमने प्रीलिम्स का तो तैयारी कर लिया, मेंस में हमको इसमें क्या देखना है? दो चीज, एक है मौर्य कला, दूसरा है पाल कला। दो क्वेश्चन रिपीट होता है, इसके अलावा कोई भी रिपीट नहीं होता है। होता है तो पूरे एंशियंट पीरियड को पढ़ने के बाद केवल और केवल टू क्वेश्चंस की तैयारी करनी है मेंस के लिए, राइट अप करना है, लिख लेना है, खत्म हो गया एंशियंट। अब चलते हैं मेराइवल की तरफ। अब मेराइवल हमने पढ़ना शुरू किया, मेराइवल हम पढ़ लिए पूरा, महमूद गजनी गौरी से लेकर पूरा जो है आप समझ लीजिए कि डिक्लाइन ऑफ मुगल तक, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, मॉडर्न शुरू हो जाता है, इसलिए आप समझिए कि लेटर तक औरंगजेब और उसके बाद जो भी हुआ जहानदार साहिब वगैरह वगैरह, ठीक है, पढ़ लिए। अब हम चले जाएंगे बैक में कि क्या यहाँ से हमको काम आ रहा है मेंस के लिए, मेंस के लिए कुछ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पटना कलम ठीक से नहीं पढ़ा है लगता है, एक क्वेश्चन मेरा रिवाइवल के पीरियड में आएगा पटना कलम, ठीक है, एक क्वेश्चन मिल गया। और मधुबनी कब आता है? मेरा रिवाइवल के बाद शुरू होता है, जब क्षेत्रीय कलाओं का विकास शुरू होता है ना, शुरू हो जाता है। हो गया मेरा रिवाइवल में वन, एंशियंट में टू, अब आ जाते हैं सीधे मॉडर्न पे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। अब चलते हैं, जब हम शुरू करते हैं, कंपनी आई, बहुत सारे जो है युद्ध हो रहा है, आपस में भी हो रहा है, कर्नाटक वार भी हो रहा है, एंग्लो मराठा भी हो रहा है, मैसूर भी हो रहा है, एंग्लो मैसूर भी हो रहा है। सब कंपनी आई, कब कब आई आपको देखना है, कौन कंपनी कब आया, कब फैक्ट्री खोला, कौन कौन था उसका गवर्नर वगैरह वगैरह करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर बंगाल में पलासी बक्सर कर देते हैं, ठीक है। अब जो है उसी के हिसाब से हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री में जब आते हैं तो 1900 के आसपास जो है स्वदेशी से लेकर 1909, 1935, 1947 तक का एक तो जितने भी गांधी पीरियड है उसको देख लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन गांधी पीरियड से होता है, ठीक है, कंप्लीट मेरे फिल्म्स की तैयारी क्लियर। अब हम चलेंगे कि मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वापस जो है हम देखना शुरू करें। मेंस में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं 1857 पे शुरू करते हैं बाबू बुढ़कीवर से, ठीक है। उसके बाद हम फिर देखेंगे गांधी जी का थॉट्स, जेपी का थॉट्स, हालांकि जेपी का बाद में आया, लेकिन आपको उसके बाद नेहरू का देख लिए, गांधी का देख लिए, टैगोर का रविन्द्रनाथ टैगोर का, तीन हो गया, कभी साथ में आता है कभी अलग से आता है। एक तो हो गया पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, हिस्ट्री का हो गया क्लियर ना। अब उसके बाद हम देखेंगे असहयोग सविनय, ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन और सिविल 1857 का संथाल, हाँ रुको ना, हाँ अब पहले इसको, पहले इसको क्लियर कर रहे थे, जो चीज़ हम मेन पीटी में नहीं पढ़े हैं उसकी तो बाद में बात करते हैं। पीटी जो हम जो हमने मॉडर्न पढ़ा उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है पहले तो उसको देख लेना, अभी तक तो जो हम लोग को मिल रहा था उसके हिसाब से पढ़ रहे थे ना। मॉडर्न में जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो गांधी से लेकर आपको टैगोर नेहरू तक का हो गया, और प्लस में आप लोगों को देख लेना है क्विक मीडिया मूवमेंट का, 1930 का, 1920 का, और कभी कभी एक्ट वगैरह पूछता है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि अच्छा कुछ छूट रहा है, तो दो को छूट रहा है, एक हो गया संथाल और दूसरा हो गया मुंडा, अलग से पढ़ लेना है, क्लियर हुआ। ये है हिस्ट्री को पढ़ने का स्ट्रेटजी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मेरा पीटी भी हो गया, मेंस भी हो गया, और मेंस के लिए गिन चुन के कितना क्वेश्चन हुआ, 10-12-15 क्वेश्चन, खत्म हो गया मेरा एनसीएल की तैयारी, फर्स्ट सेक्शन क्लियर, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन क्लियर। उसी तरीके से जब सेकेंड सेक्शन में आते हैं तो क्या है सेकेंड सेक्शन में, क्या बोला, आईआर है। अब क्या है कि हम करेंट पढ़ रहे हैं, करेंट में सब पढ़ेंगे, और आईआर में रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है अलग से, अलग अलग कंट्री के, जो मैंने कल के क्लास में बताया था कि स्टैटिक्स कुछ रेडी रखना टाइप से आपको रेडी करके रखना है, जिसके बारे में नोट डाउन करके तैयार करना है और उसको रख लेना है, ठीक है ना। उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का है, ज्योग्राफी जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम या कभी कभी पूछता है बीपीएससी मेंस में, तो क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मिलने के लिए क्या है, इकोनॉमी। सेकेंड पेपर का सेकेंड सेक्शन में क्या है, इकोनॉमी है, तो हम इकोनॉमी कर लेंगे। फिर ज्योग्राफी चूँकि हम पीटी में किए हैं तो हम कंटीजेंसी प्लान रखेंगे,
कहीं पूछ दिया ज्योग्राफी में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इजी टाइप के, मॉनसून पूछ देगा या कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आज इजीली आप कर पाएंगे, है कि नहीं? तो ज्योग्राफी का हो जाएगा। इकोनॉमी में भी कुछ नहीं होता, इकोनॉमी में करेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। और हम पूरा RBI पढ़ेंगे पहले। RBI पढ़ने से क्या होता है कि मौद्रिक नीति जो है वो आप बहुत अच्छे समझ लेंगे, रेपो रिवर्स रेपो से लेकर एवरीथिंग, बैंक रेट वगैरह GDP वगैरह पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के लिए अगर इकोनॉमी में देखें तो RBI या मॉनेटरी पॉलिसी के जितने हैं इंडिकेटर्स 1 और 2 जो है आपका GDP GNP लेकर नेशनल इनकम तक के चीज को, ये 2 अगर आप कर लेते हैं अच्छे से समझ लेते हैं तो इकोनॉमी जो है वो हलवा है। उसके बाद सब के सब चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक है, घटाना है बढ़ाना है, रेपो बढ़ेगा तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा परचेजिंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर वर्ल्ड ये इंपोर्ट बढ़ेगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इकोनॉमी को समझ सकते हैं। 2 चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी कुछ भी पढ़िएगा बहुत इजीली कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं मेंस में, ठीक है। साइंस टेक में उसी तरह से होता है, साइंस टेक में अगर हम साइंस पढ़ लिए 9th 10th NCERT या बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी चैप्टर है, साइंस टेक टेक्नोलॉजी 2nd पेपर का लास्ट सेक्शन में बता रहा हूँ, अगर उसको हम पढ़ रहे हैं और उसमें अगर लगता है कि हम पढ़ते हुए मेंस की तैयारी करें तो पहले प्रीलिम्स कर लिए। मेंस में जो सेक्शन होता है एक होता है बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा IT से रिलेटेड होता है, तीसरा जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं पॉल्यूशन वगैरह जो भी है डिजास्टर वगैरह का, 3 सेक्शन होता है, कुल मिला के 10 क्वेश्चन करेंगे आपकी मेंस की तैयारी हो गई, ठीक है। और पॉलिटी की बात करेंगे, अब पॉलिटी की बात करनी पड़ेगी, 2nd पेपर का 1st सेक्शन। पॉलिटी में भी सिंपल कहानी है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि कुछ चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कुछ चैप्टर से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं, जब जब संशोधन हुआ वगैरह वगैरह, प्रीएम्बल से शुरू करेंगे। सिटीजनशिप को आप इग्नोर कर सकते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता, छोड़ भी सकते हैं अगर टाइम है पढ़ लें। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, CAG, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड पंचायती राज, अमेंडमेंट, और जब इलेक्शन का माहौल रहेगा तो इलेक्शन कमीशन। ये इतने चैप्टर्स हैं जहाँ से ही क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके लिए आपको कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर SC ST माइनॉरिटी ये वो या फिर राजभाषा या बहुत सारा जो है सो डिफिनीशन वगैरह दिया हुआ है उस सबको छोड़ना। हाँ, एक छूट गया शेड्यूल सूचिया, वहाँ से क्वेश्चन रहता है, क्लियर है। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का, उसी हिसाब से मेंस में जाना है। मेंस में देखना है कौन कौन सा चैप्टर क्वेश्चन आता है प्रीवियस 8 से 10 ईयर्स के, उसके तैयारी कर लेना है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है, वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। हो गया, अगर मान लेते हैं अप्लॉयड या करेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया प्रिपरेशन है तो ठीक है, प्रिपरेशन नहीं है तो जो हमने स्टैटिक प्रिपरेशन किया है उससे क्वेश्चन लिख देंगे, क्लियर हो गया। बहुत ईजी है, देखा जाए तो पूरे GS के पोर्शन को अगर तैयारी करनी है तो मेन जो है जब आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो GS के हिसाब से देखेंगे, अगर हम पूरे 1st पेपर और 2nd पेपर को मिलाते हैं तो क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 60-70 से ज़्यादा नहीं बनता है, अप टू 70-75 क्वेश्चन से आपके पूरे मेंस की प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन उस 75 क्वेश्चन में भी 50 क्वेश्चन तो वैसे हैं जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी हमको पढ़ना है, 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस मेंस PT के आउट ऑफ सिलेबस से बाहर मान सकते हैं। इसका मतलब है कि मेंस की प्रिपरेशन ईजी है और आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। PT मेंस दोनों साथ करने से राइटिंग प्रैक्टिस भी होते रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होने से प्रीलिम्स में होने के रिजल्ट की होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि हमको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते जाना है और क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स आ गए हैं, ट्रेंड जो चेंज हुआ है BPSC का, वो BPSC से थोड़ा नीचे है लेकिन उसी को पैटर्न को टच कर रहा है, यानी कॉन्सेप्ट वाइज जो है कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे तो बनाने के लिए 150 में से 50 तो आप ऐसे भी कोई भी बुक पढ़े होंगे तो 50 तो बन ही जाएगा जो वन लाइनर टाइप के होंगे, लेकिन बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं वो होंगे थोड़ा डीप, और सबसे अधिक डीप होंगे क्वेश्चन वो होंगे 30-35-40 क्वेश्चन बिल्कुल डीप होंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है PT और मेंस के बारे में। काफ़ी उपयोगी क्लास ये था, मुझे लगा कि काफ़ी उपयोगी हमने बातें आपको बताई हैं जो आप लोगों के रिजल्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। आप उसको केवल फॉलो करिए जो मैंने बताया है, निश्चित रूप से जो है आप प्रीलिम्स और मेंस के जो चक्कर है या डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के जो मानसिकता है वो बताता हूँ,
या टीचर की मानसिकता है, मैं उस पर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। पहली मानसिकता है कि चलो अभी तो 30 तारीख का डेट अनाउंस है, प्रीलिम्स पढ़ते हैं, टाइम है 6 महीने, प्रीलिम्स देने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि पीटी के साथ मेंस की तैयारी करें, नहीं करना है, हमें केवल करना है प्रीलिम्स की तैयारी, प्रीलिम्स हो जाएगा तब ना मेंस की तैयारी करेंगे, है कि नहीं सब लोग? 90% आप सभी यही सोचते हैं और लगता भी है कि अभी क्यों पढ़ा रहा है, पीटी देंगे फिर आके हम मेंस कर लेंगे यहाँ बैठ के, जैसे बाकी जो है 100 स्टूडेंट यहाँ कर रहे हैं, पीटी के बाद मेंस की तैयारी जो कराई जा रही है। ठीक है, और फाउंडेशन वाले इसमें आ गए, फाउंडेशन वाले आ गए, उनका जड़ मजबूत करने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारी मानसिकता होती है कि हम मेंस की तैयारी ना पीटी की तैयारी करेंगे, और हमें ऐसा लगता भी रहता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हमारी मेंस की तैयारी तो हुई ही नहीं, जबकि पीटी की तैयारी के साथ ही 90% मेंस की तैयारी तो हो चुकी होती है, 10% कुछ क्वेश्चन जो बाहर के उसी को देखना होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि हमारा मानसिकता क्या काम करता है, चलो पीटी के बाद करेंगे। पीटी एग्जाम देने के बाद शुरू हो जाता है कट ऑफ का दौर, कि चलो भाई कितना जाएगा कट ऑफ मेरा, होगा कि नहीं, रिजल्ट का वेट करते हैं। ये मैं आपको जेन्युइनली बात करता हूँ, 100% स्टूडेंट का यही काम होता है, रिजल्ट का वेट करते हैं। लेकिन उसमें से एक्सेप्शन 5% है जिनका रिजल्ट होने जा रहा है, एग्जाम देने के साथ ही पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट होगा प्रीलिम्स में या नहीं होगा। ठीक है, जो लोग वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा तो मेंस का पढ़ेंगे, उनका रिजल्ट नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको बेकार का टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे कैंडिडेट अनसीरियस स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, और लेजी जो सीरियस स्टूडेंट है उसको भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑफिसर बनने के काबिल और लायक नहीं है। ओके, इसीलिए जो है आपको अपने एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, जैसे ही प्रीलिम्स होता है मेंस के लिए आपके पास 2-3 महीना टाइम मिलता है, आराम से मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, इजिली आपका रिजल्ट हो जाएगा। 30 सितंबर डेट अनाउंस है, अगस्त में हमें पीटी मेंस दोनों प्रिपेयर कर लेनी है, और लास्ट के 30 डेज जो बचे हुए हैं उसमें केवल और केवल प्रैक्टिस, और वो भी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो भी अगर लगता हो उस प्रैक्टिस के दरमियान जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने टकराएगा, मिलेगा, वो भी याद होते जाएगा। जब MCQ बनाते हैं ज़्यादा याद होता है, क्योंकि क्वेश्चन किया जाता है ना, ज़्यादा याद होता है, पढ़ने के दरमियान उतना याद नहीं रहता है, जो बच जाता है वो MCQ करने से आपको याद 100% होगा, उसमें होने ना होने के चांसेज नहीं है, इसलिए उस समय हमेशा कम से कम एक जो है MCQ करना चाहिए। और कभी भी एग्जाम के समय अपने आप को पूरी जो है बैगेज को लेकर वहाँ तक नहीं पहुँचाना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यह है आपको तैयारी टारगेट हमेशा अगस्त तक ही रखनी चाहिए, कभी भी सितंबर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी आलसी हैं और ये सोचते हैं कि टाइम है 6 महीना 5 महीना टाइम हो जाएगा, 4 महीना टाइम हो जाएगा, 2 महीना टाइम बचा है, अब नहीं होगा, क्योंकि मन मान गया कि अब इस बार नहीं होगा, 70 वाला में देंगे एग्जाम, मतलब ये हो गया 90% स्टूडेंट पहले ही बाहर हो चुके हैं बिकॉज उनका एटीट्यूड ये हो चुका है अब टाइम कम है, इस बार नहीं होगा, अगले बार के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन उनको अगले बार भी नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में आलस को बसा लिया है और अगली बार भी उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, उसी टाइम को किल करेंगे, और फिर वो करेंगे, कई बार ये भी मन में आता है ना, एग्जाम का डेट बढ़वा देते, बढ़ जाए एग्जाम के 1 महीना पहले लगेगा, बढ़ जाए, कहीं से कोई खबर आ जाए बढ़ जाए 15 दिन पहले, और 15 दिन बढ़ जाता ना, छोड़ते नहीं, संजोग से बढ़ भी गया 1 महीना, सेंटर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, चलो अच्छा है, खूब उस दिन खुश है, मिठाई उठाई खाया पिया अपना, सब घुमा फिरा खाया पिया, उसके बाद लगा कि चलो बढ़ गया है 1.5 महीना, उसके बाद 1 सप्ताह जस्ट मनाएगा डेट बढ़ने का, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, फिर सोचेगा अब फिर और डेट बढ़ेगा क्या, और उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं होना है। ये मैं स्टूडेंट के कैटेगरी को इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, पटना में 10 साल में रहा, 10 ईयर्स, ठीक है, मैट्रिकुलेशन के बाद रिजल्ट यहीं से हुआ है, निश्चित रूप से स्टूडेंट के बीच रहने और इसका लंबा एक्सपीरियंस है, हॉस्टल में भी रहा, लॉज में भी रहा, सभी तरह के एक्सपीरियंस है, और पटना के हर इलाके का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं 6 महीना के बाद कहीं रुकता नहीं था, क्योंकि फिर लोग वहाँ पहुँच जाते थे, बताइए क्या पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट मेरा बहुत जल्द पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, रिजल्ट का मतलब कोई भी रिजल्ट, नॉट केवल UPSC की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी UPSC तो जल्दी हो गया,
बाकी कोई भी रिजल्ट 10+2 किया तो बस जितना रेलवे का है सब रिजल्ट होता, नो प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है, तो हम लोगों का मानसिकता इस तरह से काम करती है, तो हम स्टूडेंट के जो लॉजिक है ना उसको समझते हैं और हमेशा जो है अपनी कमजोरी को किस पे लाद देते हैं, अपने दोस्त पे, कुछ नहीं मिलेगा तो अपने सिचुएशन पे, ठीक है, और सिचुएशन को कॉज बना के अपनी कमजोरी को किसी और पे थोप देते हैं। अच्छा, इस कारण से मेरा नहीं हुआ, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं ना। पहला कॉज तो यही हुआ, घर से होगा, घर में प्रॉब्लम चल रहा था, किसी का हेल्थ इशू था, दो हो गया कॉज, लैंड का इशू था, झगड़ा झंझट जो भी चल रहा था। तीसरा होगा, अच्छा जो पार्टनर मेरे साथ रहा ना था, दिमाग खराब कर दिया, टाइम से ना पढ़ता था ना पढ़ने देता था, ठीक है, डिस्टर्ब करता था, उसको डिस्टर्ब में ही टाइम अपना उतना मैनेज हो गया। फिर लास्ट में आ गया, अच्छा इतना तक तो हो गया, आप किस पे करें, अच्छा पढ़ रहे थे मिशन 50 में, पढ़ा नहीं रहा था क्वालिटी वाला ठीक से, पढ़ाता ठीक से तो मेरा हो ही जाता, गड़बड़ पढ़ा दिया इसलिए इसमें गड़बड़ हो गया, ठीक है। सारे कॉज को ले दे के एक और बड़ा कॉज हो जाता है स्टूडेंट का, पैसा टाइम से आता नहीं था, दिमाग उसी पे लगा रहता था, इधर करे उधर करे कि क्या करे, खाना टाइम से नहीं खा पा रहे थे, फिर बोलेगा 6 घंटा पढ़ा देता था, घर आके पूरे मन करता है पढ़ने का, फिर आराम ही करना है। कॉज बनाने के लिए जितनी कॉज मैं बता रहा हूँ यही नॉर्मली यही कॉज होता है, ठीक है, नॉर्मली यही कॉज होता है, और ये कॉज जो है बेकार का कॉज, ठीक है। फाइनेंशियल चीज़ें सबसे पहले जो स्टूडेंट को सबसे अधिक प्रॉब्लम करता है उसके बारे में कहूँगा, आप बच्चे नहीं हैं, नहीं आपसे बाल मजदूरी कराई जा सकती है, सभी के सभी 14 से 18 से ऊपर हो चुके हैं, 14 में जो है डेंजर चीज़ नहीं रखना है, 18 वाला में नॉर्मल चीज़ करा सकते हैं, लेकिन 18 के बाद सब कर सकते हैं, ठीक है, 18 से ऊपर तो मुझे लगता है सब लोग हैं, तो आप सक्षम हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 2-3 घंटा का, ठीक है। बहुत सारे IAS बने हैं, रिक्शा ठेला भी चलाएं, आप चला सकते हैं रात में, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस आप सक्षम है, आप उसको यूज करिए जो भी करना है। आर्थिक चीज़ें और इकोनॉमिकली चीज़ों को वहीं पे हम करते हैं ख़त्म, इकोनॉमिकली चीज़ों को कभी आड़े लेके आप अपने आप को बचाव नहीं कर सकते, ठीक है, कभी आप अपने माप को मत मानिएगा कि पैसा नहीं है इसके चलते हो रहा है, पैसा नहीं है तो उसके लिए आप सॉल्यूशन ढूंढिए, काम करिए, जो भी बहुत ज़मीन है दकात का निकाल दीजिए, कॉज को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो बाकी चीज़ें बोले वो बेकार की चीज़ें थी, जो उसके बारे में सोच के अपना टाइम फिल नहीं करना चाहिए, आप सफल होंगे अपने कारण से, असफल होंगे अपने कारण से, बस यही लाइन को आपको याद रखना है। अभी आप अकेले हैं क्योंकि आप सफल नहीं हैं, सफल हो जाएंगे तो पूरा भीड़ का कारवा आपके पीछे आगे घूमते नजर आएगा, रिजल्ट नहीं होगा, एक को कॉल करके सांत्वना दे देगा लेकिन मिलने नहीं आएगा, रिजल्ट होगा तो रात के 2 बजे भी आके सबसे पहले मिल के आएगा। एक मेरा फ्रेंड था, रिजल्ट हुआ था 8 मई, पता चला वो रहता था RPS मोड़ पर, मैं रहता था काजीपुर, ठीक है, बेचारा पैदल वहाँ से निकल गया और पैदल मेरे पास पहुँचा, ठीक है, लगभग 1.5 घंटा लगा होगा, ठीक है, वो मेरा फ्रेंड था कॉलेज का। ऐसे भी फ्रेंड होते हैं, ऐसे ही फ्रेंड होते हैं, इसलिए बता रहे हैं रिजल्ट होने के बाद आपको ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है, वो पुराने वाले ढूंढ लेते हैं और नए वाले तो फर्जी बहुत मिलते हैं, बाद वाला जो मिला वो सब फर्जी ही है क्योंकि तो आपके पोस्ट के हिसाब से पीछे दौड़ रहा है, ओरिजिनल तो कॉलेज वाला है जो संघर्ष के समय का साथी है, जो जिसके साथ आप स्लीपर चप्पल अदलन बदलन करते थे या सामान स्लीपर पहन कर कहीं घूम रहे हैं कहीं जा रहे हैं, फटा हुआ टी शर्ट शर्ट, कहीं बैठे हुए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी आके गाली दे दिया डांट दिया कोई बात नहीं चलो ठीक ठीक है, तो वो इसलिए कहते हैं कि सफलता के जो है अनेक बाप होते हैं, असफलता ऑलवेज अनाथ होती है। सफल बनिए, जीवन में सफल होने के लिए आपके पास चांसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो लास्टली पूछ लीजिए। हाँ, उसका रीज़न ये होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में डर लगता है, कहीं नहीं बना तो मुझे डिप्रेशन होगा, डिमोटिवेशन आएगी कि मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो फिर लगता है कि एक बार पढ़ना चाहिए, मेरा यही राय है एक बार और पढ़ना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन नहीं बन पाया वो आपका बन जाता है तो याद हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना चाहिए, इससे क्वेश्चन नहीं बन पाया एक आइडिया भी लग जाता है कि हमने
20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 बन रहा है, 10 के बारे में कन्फ्यूजन आ रहा है, तो फिर से उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना चाहिए। बट डर को जो है दूर भगाना पड़ेगा, ठीक है, डर को दूर भगाइए, प्रॉब्लम को समझिए, उसके अकॉर्डिंग करिए। ओके है, और किसी का नहीं? देखिए ऐसे के लिए संपादकीय तो उसका अपना हर पेपर का अपना वे है, हर पेपर का वे का मतलब समझ रहे हैं ना, अपना अपना जो है उन्होंने अपने हिसाब से मानसिकता बना कर रखा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये ईस्ट है, बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनका संपादकीय आता है। संपादकीय पढ़ने के बाद अपना मंतव्य बनाना चाहिए, ठीक है, संपादकीय को सबसे अधिक फोकस करना है। और एक स्पेक्ट्रम की जो बुक है इससे की, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, उसको एक बार देख लीजिए, उसमें से कुछ सेलेक्टिव चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र है उसको पढ़िए, उससे भी आपका मदद मिलेगा ऐसे राइटिंग। नहीं नहीं, योजना कुरुक्षेत्र ये नहीं कर रहा हूँ, देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहाँ हम जीरो हैं, हम 6 महीने का लेते हैं योजना, तो हमें लगता है कि एक ही महीना पढ़ लेते, दूसरा महीना नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप जहाँ नहीं पढ़ रहे थे योजना, वहाँ 1 महीने का तो पढ़ लिए। और जनरली योजना कुरुक्षेत्र को पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो किसी न किसी स्पेसिफिक होता है, जिस भी चैप्टर को लेता है उसके बारे में कंटिन्यू होता है ना, हर मिनिस्ट्री का, उसमें से स्टार्टिंग का 3 ही पढ़ लेंगे, टोटल चैप्टर मेरे ख्याल से 15-18 करके भी रहता है, 3 पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, जरूरत नहीं है पूरा पढ़ने का। ये हम लोग भी करते थे, योजना कुरुक्षेत्र लाए और आधा एक घंटा में जितना पढ़ना है पढ़ लिए, फिर साइड कर दिए, हो गया, खत्म हो गया। भारी भरकम नहीं बनाना है, जो आपको उसमें लगेगा कि जी जो बहुत नेम रिनॉन्ड कोई पर्सन जिसने लिखा है, पहले देख लीजिए कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, जो आपको लगता हो उसी चैप्टर को पढ़िए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। जमा नहीं करना चाहिए, लेके रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दर्पण लेके रख देते हैं, 12 महीना हो जाता है पढ़ते नहीं, एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, ये सब नहीं करते हैं आप लोग, फिर नहीं पढ़ते हैं, ये भी होता है। आगे पीछे में खास तौर से याद रखना है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो घटनाएं हैं उसी को कोरिलेट करना है, कभी भी किसी भी हालत में आपको लोकली जो है पटना बिहार की घटना को नहीं रखना है, भले BPSC एग्जाम दे रहे हो, और जो कंट्री को इफेक्ट कर रहा हो पॉजिटिवली या निगेटिवली, जो भी सकारात्मक हो नकारात्मक इफेक्ट करता है, उसी घटना को चर्चा करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं हो रहा है कि चलो UP में चल रहा है तीक, हमारा दीधा चल रहा है फलना, वही चैप्टर, वो सब नहीं होता है चैप्टर पार्ट। G20 ये हमारा पार्ट है, क्लियर है सिलेक्शन का। अब मुझे लगता है कोई क्वेश्चन, हाँ देखिए 6-12, अब बैठ जाइए, 6-12 जो है सब किताब को लेना नहीं, हिस्ट्री को लेना है और ज्योग्राफी को लेना है, इकोनॉमी जो है बिल्कुल 6-12 में नहीं जाएगा, वो केवल जो है 9-10 का पढ़ना है, साइंस भी 9-10 का पढ़ना है, सब छोड़ देना है, ठीक है। पॉलिटी तो समझ सकते हैं कि छोड़ भी सकते हैं, पॉलिटी में केवल 11th क्लास की एक आती है जो कि मेंस में काम आता है, पॉलिटी बिल्कुल छोड़ के सीधे लक्ष्मीकांत किताब पे आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका तरीका बताएं कि कोई जनरली 6-12 सब किताब लेकर रख देगा तो एक अंबार हो जाएगा और वो काम का नहीं। पहले ये हो गया पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका यह होता है कि आपको 6 से लेकर 12 आपको उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना पड़ता है, एक यह तरीका है। दूसरा यह है कि जब हम इंडिया का फिजिकल पढ़ रहे हैं, इंडिया का फिजिकल अगर हमको 7th क्लास में मिलता है तो फिर से जो है वो हमको 9th में और 11th में, तो उसको पढ़ने के बाद फिर वहाँ पढ़े, फिर वहाँ पढ़ सकते हैं। वैसे ही हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो 6 से 12th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जहाँ जहाँ एंशियंट का पोर्शन आता है, जैसे 11th में है एंशियंट का, 8th क्लास में एंशियंट है और 6th में है, तो केवल एंशियंट पढ़ लें, फिर मेडाइवल वाला जहाँ जहाँ मेडाइवल पढ़ लें, फिर मॉडर्न जहाँ जहाँ मॉडर्न पढ़ लें। ये पढ़ने का दोनों तरीका है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ जो जहाँ जो चैप्टर है या जो सेक्शन है जहाँ से पढ़ना है वो ज़्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि जस्ट जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा अपग्रेड करके आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा और लास्टली जो ऊपर क्लास में अच्छा रहेगा, ये तो भूलने की समस्या है, आपको सब कुछ खिचड़ी जैसा होते चला जाएगा और फिर याद नहीं होगा, जैसे होता ना एक साथ सब सब्जेक्ट पढ़ते थे, अगर रूटीन बनाना है तो हिस्ट्री का 2 घंटा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर थोड़ा मैथ भी लिख लिए,
ये नहीं होता है। ये स्कूल का कॉलेज का क्लासरूम नहीं है, या आपके स्टडी का तरीका नहीं है कि बस एक एक घंटे का क्लास ये हो गया, दूसरे घंटे में ये गए। हम लोग कॉलेज में घूमते रहते थे, कभी ये हो गया हिंदी का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का पैटर्न नहीं है। एक सब्जेक्ट को उठाना चाहिए और उसको कंपनसेट करने के लिए, जब मूड खराब हो, पढ़ते पढ़ते बोरियत हो, उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा सब्जेक्ट रखना चाहिए, या मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब रखना चाहिए, ताकि जब लगेगा कि थोड़ा बोरियत हो रही तो उसको साइड करें और फिर हम जो है रीजनिंग मैथ बना लें। क्लियर है ना, समझ में आया? बहुत कर सकते हैं तो आप एक और सब्जेक्ट को रख सकते हैं। अगर लगता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग मैथ पढ़ना नहीं, मुझे सब आता है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ अगर आपको जो दूसरा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट लग रहा है, तो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते जब मूड आपका थोड़ा सा लगे, उबाऊ लगे, तो दूसरा सब्जेक्ट को रखना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में दो सब्जेक्ट से तीसरे सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? यही है पढ़ने का सही तरीका है।